सैलून चलाते एक नौजवान की मृतक दे एक खाली प्लाट के विच मिली दसी की घटना नवा शहर दसी जा रही है जिथे दसिया जा रहा है कि एक नौजवान अपने सैलून के उपर काम कर रहा है तो कुछ नौजवानों के नाल चलिया जाता है कुछ अनपछाते नौजवान होंगे ने जो कि बाइक से बैठा के उसनों अपने नाल लै जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरों के उन्होंने तीन नौजवानों के नाल बाइक से बैठा हुआ नजर आ रहा है। उस तो बाद काफी समा वह घर वापस नहीं परतदा परिवारिक मैंबरों के वालों उसनों लभण की कोशिश की जाती है। उस तो बाद दसिया जा रहा है कि तकरीबन एक दिन बाद उसकी मृतक दी एक खाली प्लाट के विचों मिलती है तो दसिया जा रहा है कि उसकी देह मिलने तो बाद परिवारिक मैंबरों के वालों कतल का खदशा जिहड़ा है जाहिर किया गया। दस दी कि घटना नवा शहर में दसी जा रही है जिथे नवा शहर के बंगा शहर की यह घटना है जिथे दस दी कि इस नौजवान की देह मिली है। मृतक नौजवान का नाम गुरदीप सिंह दसिया जा रहा है। दस दी कि परिवारिक मैंबरों के वालों जानकारी दिंदिया दसिया गया कि उन्होंने नौजवान की किसी के नाल भी कोई रंजिश नहीं सी किसी नाल उसका कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं सी पर फिर भी उसके नाल यह घटना क्यों वापरी है उन्होंने इस संबंध हले कोई जानकारी नहीं है। उसे दस दी कि पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हले दुआले सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। तो सिर्फ सुनो पूरा मामला की है तो इस संबंधी पुलिस अधिकारी की जानकारी दे रहे हैं। की लगते हो मृतक दे ये मुंडा मरिया था की लगते हो मैं डैडी है जी। डैडी कितने साल दा है जी 21 साल दा हूं। कितने साल हो गए नु काम करदे हो काफी देर हो गया जी अंदाजा ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਮ ਕੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੂਆ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਆ ਦੂਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਮਾਸਕਟ ਹੈ ਮਾਸਕਟ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਪਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਠੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ परिवारिक मेंबर पिंड वाले दस्या कि तीन बजे के करीब दोपहरे दो मोटरसाइकिल नौजवान बैठ के गढ़ शंकर चौंक सिटी वालों आया ते उदो बाद इहदा पता नहीं लग रहा सी अज सवेरे इन्होंने घर सर्च कर रहे थे पता लगे कि ग्रीन सिटी है गढ़ शंकर रोड एक स्टोर है पुराना अबंडन स्टोर है उसके बैक साइड से भी लाश मिली है तो अभी मौके पर आए हैं। DSP साहब बंदा भी मौके पर अभी हम जांच कर रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं अगे कोई सीसीटीवी फुटेज आई है जिन्होंने।